अगेन इंटरेस्टिंग एग्जांपल बेस्ड ऑन फंक्शन पॉइंटर्स मींस अभी तक फंक्शन पॉइंटर के थ्रू मैंने एक्सेस किया गए थे ओनली यूजर डिफाइंड फंक्शन मींस फंक्शन पॉइंटर के थ्रू आपके लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन भी एक्सेस करना पॉसिबल सेम मैनर्स में प्री डिफाइंड फंक्शंस को भी एक्सेस करना पॉसिबल है। इस केस में जस्ट सिंपल एग्जांपल प्रोवाइड किया है, इसका बिहेवियर आपके लिए ऑलरेडी नोन है। जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा सबसे पहले चांस किसको मिला सीएलआरएसईआर का वर्किंग एरर है जस्ट क्लियरिंग द स्क्रीन। देन सेकंड केस में प्रिंट ऐप से मैसेज डिस्प्ले होगा हेलो। नेक्स्ट वन एग्जीक्यूशन किसका होगा गेट सीएस का वर्किंग क्या है जस्ट इस केस में मीन्स कीबोर्ड से सिंगल इनपुट करना मीन्स तब जब तक आप इनपुट एंटर नहीं करो तब तक स्क्रीन के साथ होल्ड देन आपके लिए आउटपुट देखना पॉसिबल है। नेक्स्ट वन मीन्स फाइनली अभी मैंने इन प्रीडिफाइंड फंक्शन सी एल आर एस या प्रिंट एफ और गेट सी एच को डायरेक्टली एक्सेस किया यूजिंग फंक्शन नेम। मीन जस्ट इस प्रोग्राम को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इंटू इक्विवेलेंट पॉइंटर कॉलिंग्स मीन्स इन प्रीडिफाइंड फंक्शन को एक्सेस करना यूजिंग पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स के रिस्पेक्ट में सबसे पहले किसी भी फंक्शन को अगर पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना है तो आपको पता क्या होना चाहिए रिटर्न टाइप ऑफ दैट फंक्शन। सी एल आर एस सी आर की बात करें तो इसका रिटर्न टाइप क्या है वॉइड। प्रिंट एफ की बात करें प्रिंट एफ का रिटर्न करता है नंबर ऑफ डिस्प्लेड कैरेक्टर्स इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है इंटीजर। गेट सी एच फंक्शन भी रिटर्न क्या करता है रीडिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम अ कीबोर्ड। कीबोर्ड से जब भी कोई कैरेक्टर रिटर्न होता है मीन्स रीडिंग कैरेक्टर का आस्की वैल्यू रिटर्न होता है और आस्की वैल्यूज भी अगेन क्या है एज अ इंटीजर नंबर्स क्लियर। और इसका इक्विवेलेंट कॉलिंग परफॉर्म करा मैं यूजिंग पॉइंटर्स। वन मोर थिंग्स मैं ऑलरेडी आपको जो सारे के सारे हेडर फाइल्स बाय डिफॉल्ट आप कंसीडर करवाए जाए इंक्लूडेड। अगर मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में राइट डाउन नहीं किया फिर भी आप सारे के सारे हेडर फाइल इंक्लूड कराने के बाद ही प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराओगे अदरवाइज रेज क्या हुआ फिर मे बी चांस ऑफ रेजिंग कंपाइल टाइम एरर्स stdio.h एंड conio.h। देन फाइनली वॉइड मैन इस पर्टिकुलर केस में टोटल कितने फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं थ्री फंक्शंस लेकिन इन फंक्शंस के आर्गुमेंट टाइप कैसे हैं डिफरेंट मीन्स अगर आर्गुमेंट टाइप आपके लिए अननोन है आप उस केस में पॉइंटर का टाइप दे सकते हैं जैसे जीरो आर्गुमेंट पॉइंटर किसी भी फंक्शंस के लिए वर्क करेगा लेकिन इसके रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए रिटर्न टाइप एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। फाइनली थ्री डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करने के लिए मैं थ्री डिफरेंट पॉइंटर डिक्लेरेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ फंक्शन पॉइंटर्स। फर्स्ट वन void star p1 क्लियर पॉइंटर p1 आर्ग्यूमेंट टाइप है जीरो। वन मोर पॉइंटर डिक्लेरेशन इज void star p1 सेकेंड केसेस में रिटर्न टाइप क्या है इंटीजर इसलिए void के प्लेस पर क्या यूज करेंगे इंटीजर टाइप int star p2। सिमिलरली थर्ड केस में भी रिटर्न टाइप क्या है ऑल्सो इंटीजर यूज करेंगे इंट स्टार p3 क्लियर। नेक्स्ट वन मीन्स अभी सिंपली मैंने थ्री डिफरेंट पॉइंटर डिक्लेरेशन प्रोवाइड किए लेकिन किस पॉइंटर से कौन सा फंक्शन कॉल हुआ ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं क्योंकि जब तक आप पॉइंटर को फंक्शन एड्रेस के थ्रू इनिशलाइज नहीं करोगे देन तब तक किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कराना पॉसिबल नहीं। तो p1 के थ्रू मैं एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ clrscr इसलिए मैं डिक्लेरेशन टाइम पर p1 में ऐसा क्या करा रहा हूँ इसके इसमें एड्रेस ऑफ clrscr क्लियर। सेम एज p2 के थ्रू मैं कॉल कराऊंगा प्रिंट एफ फंक्शन इसलिए इसके अंदर पास क्या कर रहा हूँ एड्रेस ऑफ प्रिंट एफ और सिंपली डायरेक्टली प्रिंट एफ दोनों के मीनिंग कैसे हैं सेम। थर्ड केस में p3 के थ्रू कॉल कराएंगे गेट सी एच इसलिए आसान किया एड्रेस ऑफ गेट सी एच फंक्शन मीन थ्री डिफरेंट पॉइंटर डिक्लेरेशन प्रोवाइड करने के जस्ट बाद मैंने फंक्शन पॉइंटर्स के या एड्रेसेस के थ्रू इनिशलाइज किया है। सिंपल मैनर में जैसे प्रीवियस केस में आप कॉल क्या कर रहे थे clrscr लाइक दैट क्लियर। सिंपली आपको इसके इसमें सी एल आर एस सी आर को सिंपली रिप्लेस कैसे कराना है *p1 से क्यों *p1 के अंदर आसान क्या कराया एड्रेस ऑफ सी एल आर एस सी आर मीन सिंपली *p1। इसके मीन से पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट ऑफ कॉलिंग सी एल आर एस सी आर फंक्शन क्लियर। सेकेंड केस में प्रिंट एफ फंक्शन कॉल कराना है प्रिंट एफ का एड्रेस किसके पास है p2 के पास इसलिए यूज करेंगे *p2 देन जो भी आपको मैसेज पास करना है हेलो। इसे फंक्शन एग्जैक्टली वर्क करेगा लाइक प्रिंट एफ हेलो प्रिंट एफ हेलो। नेक्स्ट वन मीन कमेंट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ इक्विवेलेंट केस। नेक्स्ट वन कॉल क्या कराना है गेट सी एच का एड्रेस किसके पास है p3 के पास यूज करें *p3 देन कॉलिंग मीन्स लॉजिकली ये दोनों ही प्रोग्राम कैसे हैं एग्जैक्टली सेम। इस केस में जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो इसके अकॉर्डिंग स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। सेकंड केस में प्रिंट एफ का एग्जीक्यूट कोड एग्जीक्यूट होगा इस केस में डिस्प्ले किया जाएगा सिंपली मैसेज है हेलो। देन फाइनली
गेट्स एज देन आउटपुट क्या है इसके, इसमें सिंपली मैसेज एज हेलो मीन्स दोनों ही प्रोग्राम्स के आउटपुट्स कैसे हैं एग्जैक्टली सेम। फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन डायरेक्टली नेम के थ्रू एक्सेस किए हैं, सेकंड केस में यूजर डिफाइंड फंक्शन सिंपली पॉइंटर के थ्रू एक्सेस किए। नेक्स्ट सेशन में जस्ट मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज।